गणेश उत्सव के दूसरे दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आयोजन जिस एकेडमी द्वारा किया गया है, तो चलिए उनकी टीचर से ही जान लेते हैं इस एकेडमी के बारे में और बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में। मैम आपका नाम? अनुपमा श्रीवास्तव। एकेडमी नित्यांगन डांस एंड आर्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट इंदिरा नगर कलेवा के पास। छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया, किस तरह से ट्रेनिंग देती है छोटे छोटे बच्चों को? छोटे छोटे बच्चों को उनके इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट देखते हैं कि किस में है। अगर क्लासिकल में है तो क्लासिकल बेस, फिर उनको वैरायटी सिखाते हैं, भरतनाट्यम है, फोक है, राजस्थानी है, जितने भी हमारे स्टेट्स के डांस होते हैं, तो उनको सिखाने में बहुत मज़ा आता है कि वो पूरा जो मैं बताती हूँ उसको तुरंत कैच करते हैं। ओके, आपके इंस्टीट्यूट में सबसे छोटे कौन से एज के बच्चे हैं? हमारे यहाँ फोर एज के हैं, 4 साल के बच्चे हैं और 3+ के भी आते हैं, लेकिन बस उनमें एक रहता है कि वो लोग एक जगह टिकते नहीं हैं। तो जैसे स्टेज के लायक डांस सिखाना है तो 4+ के बच्चे हमारे स्टेज के लायक डांस कर सकते हैं। ओके, गणपति बप्पा के इस पंडाल में आप लोगों ने परफॉर्म किया, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? एक तो ये बहुत अच्छा पंडाल इस बार सजा है केदारनाथ थीम पर और ये बहुत ही सुंदर लगा, और हमेशा हम लोग यहाँ पे आते हैं अक्सर, और ऐसे स्टेज पे आना हमारे भाग्य की बात है कि सौभाग्य के बच्चों का कि उनको ऐसे गणेश जी के मंच पे हमें प्रस्तुति देने का मौका मिल रहा है। अक्षयवर जो समिति है इनका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हम लोग को हमेशा चांस देते हैं डांस करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। आपका नाम? मेधा। आप कब से डांस कर रहे हैं? मैं बचपन से कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस पंडाल में डांस करके कैसा लगा और इसकी थीम कैसी लगी? बहुत सुंदर थी, ये केदारनाथ वाली थीम है तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने तो स्टार्ट ही किया है कल ही से, मतलब यहाँ पे शुरू हुआ था तो आज करने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हैं किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है सभी में, और बाकी लोगों से भी डांस के बारे में पूछ लेते हैं। आपका नाम? भानवी। आपने बहुत अच्छा डांस किया, मैं आपको बताना चाहूँगी और डांस के बारे में भी पूछना चाहूँगी, कब से डांस कर रही हैं? मैं तो जब से मैंने होश पाया तभी से डांस कर रही हूँ, लगभग 3 साल की उम्र से जी। तो क्या कहना चाहेंगी इस पंडाल में आपको डांस करने का जो मौका मिला है और गणपति के सामने इस शुभ मौके पर, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमेशा की तरह ही, मतलब कई बार किया है ये सब पंडाल्स और काफ़ी स्टेजेस पे, पर वो फीलिंग जो एक अच्छी लगती है परफॉर्मेंस की, जो एक हल्का सा नर्वसनेस रहती है, फिर करने के बाद जो एक शांति रहती है, वो हमेशा ही नई लगती है और हमेशा अच्छी लगती है, बस यही कहना चाहूँगी। तो देख सकते हैं आप, और छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी है और सभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, 4 साल के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने परफॉर्म किया है। तो आपका नाम? संचयता। निहारिका। सानवी। शुक्ति। आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताओ। स्नेक पीकॉक। तो स्नेक परफॉर्म किया है सबने, अलग अलग तरह का परफॉर्म किया है, आप देख सकते हैं काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और बच्चों को मंच मिलता है तो उनमें खुशी देखने को मिलती है। और ये कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है अभी 2 दिन और चलेगा और आप यहाँ पे आ सकते हैं और आप भी यहाँ पे आके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजवृक्ष के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।